हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है सुबह के 8:30 बज गए हैं, सब लोग जो है रेडी हो गए हैं और अब हम जो है यहाँ से चेकआउट करेंगे। और यहाँ पर पहाड़ों की हसीन वादियों में रात के टाइम जो है हमने स्टे किया था। ये है बिलासपुर जहाँ पर हम लोग रुक गए थे। वैसे तो हमें आगे जाना था लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से फिर हमने सोचा कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें रात में यहीं पर स्टे करना चाहिए। तो हम लोग जो हैं अभी मॉर्निंग हो गई है, सब लोगों ने नहा के जो है नाश्ता पानी कर लिया है, चाय वाय सबकी हो गई है, तो जी यहीं पर लेकर आ गए थे। अब जो है चेकआउट करने का समय हो गया है, सब लोग जो है रेडी है चलने के लिए और सामान वगैरह जो है सब कुछ हमने अपना रख लिया है। और वहाँ पर ना दो जो बकरियाँ बंधी हुई हैं उन्होंने सुबह से बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है और उनकी आवाज़ सुनकर ही मेरी आँख खुली थी। और ये है एक सुंदर सा व्यू इधर का गाँव का, पिछली साइड में जो विंडो लगी हुई है वहाँ पर। और ये ना रात में यहाँ से अच्छी खासी हवा आई और बढ़िया से नींद आई सबको, लेकिन मुझे जो है जब कहीं नई जगह जाते हैं तो वहाँ पर नींद नहीं आती है, तो मेरे साथ में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम होती है। तो गाइस यहाँ पर जो है बहुत अच्छी व्यवस्था थी और जहाँ पर हम लोगों ने रात में स्टे किया है तो पीछे एक गाँव और पिलर पर ही देखिए कैसे मतलब इसे खड़ा किया गया है, मतलब इन वादियों के बीच में। इधर देखिए पहाड़ी पहाड़ है और बच्चे जो हैं इन वादियों का नज़ारा अब देखेंगे सुबह में, क्योंकि रात में जो है अंधेरा हो गया था इतने नज़र नहीं आए। चिंकी कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। और अपने बैग वगैरह जो हैं अभी अच्छे से सेट करेंगे इसमें गाड़ी में। छोटू लग गया है अपने काम पे। आरुष कैसा लग रहा? अच्छा अच्छा लग रहा। अब कहाँ जा रहे? अब आगे जाएंगे। हाँ भूख लग रही, बर्फ खाऊंगा। देखो इसे बर्फ खानी, वैसा तो इसकी नाक सी बह रही थोड़ी थोड़ी सी। तो जी इस तरफ से हम लोग आए थे और अभी हमें जाना है इस तरफ आगे की साइड में, और भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी और आपको भी दिखाएंगे और खुद भी देख। आरुष ट्रक की वजह से? हाँ। अच्छा जी, आपको भी पता है ट्रक की वजह से गर्मी हो रही? देखी मजे आ गए, फुल बढ़िया लग रहा। और कहाँ जाने की इच्छा है? और बर्फ 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 पड़नी इच्छा। बर्फ पड़नी चाह? हाँ। अच्छा और बर्फ जा बर्फ पड़ा। अच्छा अभी जो है हम लोग निकल लिए हैं और मैं चिंकी को बार बार बोल रही हूँ, चिंकी उधर की साइड में मुझे बैठने दे और मुझे भी थोड़ा सा व्यू देखने दे, लेकिन चिंकी ने मुझे इस वाली साइड में बिठा दिया है, बोल रही है नहीं मम्मी मैं ही देखूंगी और आप तो वहीं से बैठे बैठे देख लो। चिंकी मान जा भी मेरी बात, नहीं मानने की बिल्कुल भी। ये सबसे जिद्दी लड़की है, ये सबसे जिद्दी लड़की है और उसका कहना ही है। ये देखो आरुष भी कह रहा है, आरुष को और गुड्डू को जहाँ भी बोलते हैं ना यहाँ पे बैठ जाओ यहाँ पे खड़े हो जाओ तो वो कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं करती बिल्कुल। आप मैं तो पहले भी नीलकंठ हरिद्वार, अब हम तो पहली बार आए हिमाचल। अच्छा ठीक है जी, चलो जी। 3 साल देखा मम्मी, 3 दिन देख रहा, आज तीसरा दिन देख रहा है, तो दूसरा दिन तीसरा दिन कहाँ से हो गया, एक तेरा आगे ही चल रहा है, कुछ ज्यादा हिसाब किताब। अरे सामने तो हम घुमा देंगे तुझे अपने आप, बाइक पे भी ले जाएंगे वहाँ, तो यहाँ की बात कर पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी के इलाके में भी चढ़ सके हम तो। हाँ चढ़ सके, ट्रैकिंग करेगा पर चढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही चढ़ जा बस। पर चढ़ने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए बेटा, एनर्जी। पापा मम्मी वैसे भी खुद चढ़ सके बिना कोई सामान ना ले लियो, चढ़ने बढ़ने का आप पैरों ते ही आ जा, पैर तो ही चढ़ जा नू तो। अच्छा सामान लेके नहीं चढ़ना कुछ भी हैं? नहीं चढ़ जा पैरों ते ही। अच्छा चल बेटा देखेंगे बिना एनर्जी के कैसे चढ़ेगा। मम्मी हाँ? जो भी जगह मिलेगी ना खाली हाँ? उस पर चढ़ के चलेंगे हम। ठीक है, सब तो ऊपर का बढ़िया नजारा देखेंगे। आरुष को देखना है ऊपर चढ़कर नजारा अच्छे वाला, तो इसके बाद माननी पड़ेगी और ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं चढ़ेगा जरूर। चलो जी देखते हैं कर पाता है नहीं आरुष, जब भी कहीं रुकेंगे तो देखेंगे इसे कितनी एनर्जी है इसके अंदर। ठीक है मैं तो जब तक पल्ले चढ़ जाऊंगा, डन पेड़ पे भी चढ़ जाऊंगा, पेड़ पे भी चढ़ जाएगा, चल देख लेंगे। तो चिड़िया का घोंसला उतारूंगा। चिड़िया का घोंसले? किसी का घोंसला नहीं उतारना चाहिए, किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। ठीक है
होता होगा। और पानी पानी हो गई। और फिर पानी हो गई। पानी पानी हो गई। जंगल का राजा शेर है। जंगल का राजा ऐसे है। अच्छा जी। मतलब माँ पहाड़ियों का व्यू तो देख रही है लेकिन वो कुछ अलग भी दिखाने की कोशिश कर रहा, बार बार बोल रहा माँ इधर देखो ये चीज आ गई, माँ उधर देखो ये चीज आ गई। अब मिली सा थोड़ी सी रात, नहीं तेन कह रहे थे लू लग रही, मारे तो लू लग रही। अब पता कैसा लग रहा, थोड़ी सी पहाड़ी आते ही ना इसकी खुद का ठिकाना नहीं है। ये देखो तो गाइज अभी रुक चुके हैं हम लोग यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में पेट्रोल पंप पर और डीजल डलवाएंगे क्योंकि तेल पानी होना अपने साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहला स्टॉप मतलब बिलासपुर से निकलते ही, अब ये पता नहीं कौन सा गांव है कौन सा शहर है मुझे ये पता नहीं, लेकिन हम 30-40 किलोमीटर जो है चल चुके हैं। और जहाँ पर गाड़ी रुकती है ना बच्चे तो मतलब निकल कर ऐसे जाते हैं गाड़ी में जैसे इन्हें काफी दिन हो गए हैं गाड़ी में बैठे बैठे। और सबसे अच्छी बात है कि अपने वाहन की ये कि पैर पलोती मार के उकड़ू बैठ के मतलब किसी भी तरह से ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि बैग जो है पीछे सेट हो गए हैं। ओ भाई साहब लीची का बाग भी देख लिया और उसने तो ये रही लीचिया खावा क्या भाई है। ये देखो जी बहुत बड़ा बाग है लीची का, आम भी है इसमें, ये लीचियां ये लगी हुई है। शिमला नहीं मलाली, मलाली आ गए हम, शिमला आ गए हैं। सुंदर नगर से ले ली है सारी की सारी साग सब्जियां जो हमारी जरूरत की थी, अब तो बस कहीं टेंट लगाना है और बस खाना बनाना है, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी दूरी तय करनी है। क्या बात होगी 90-95 25-115 तो सामान ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, डिस्पोजल ले लिया है, सेब ले लिया, खीरा ले लिया, सब्जी में क्या है कि आलू प्याज टमाटर लहसुन जो मन चाहे वो खाओ, हरी मिर्च, अब जो भी मन करेगा जहाँ भी करेगा और जहाँ भी मौका लगेगा स्टे करने का वहीं पे बनाएंगे और खाएंगे। तो चलो अभी रेडी है चलने के लिए, पहले कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो जी सब अपनी अपनी पसंद की चीज खा रहे हैं और माँ ने मुझे बोला था कि खीरे जरूर लेके आना, माँ ने नमक निकाल लिया प्लेट चाकू, पहले तो सेब खिला दिया बच्चों को और सेब का आनंद लेके, मिठा था ना माँ सेब, अब खीरा खा रही है नमक लगा के, बस कमियां रहेगी कि नींबू नहीं मिला माँ, नींबू आगे से ले लेंगे ठीक है। ये पूछ रही है पापा जी कितनी दूर रह गए हैं क्योंकि ट्रैफिक में फंसे हुए काफी देर हो गई थी, तो बच्चे जो है एक जगह खड़े खड़े बोर हो जाते हैं देखने में मिल रहे, जो कि मतलब अपने सपने में नहीं सोचा था हमने, सोचा तो नहीं था बच्चों हैं, नहीं सोचा था, सारों के हाथ हिल रहे देखो। और माँ भी माँ जो है इस प्यारे से व्यू का मतलब पूरा एंजॉय कर रही है हमारे साथ। तो जी कितना बड़ा प्रोजेक्ट और कहाँ से कहाँ तक जो है ये रोड बन रही है, और 2 साल बाद तो ना ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, मतलब अगर घूमने के लिए आवे ना तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बस बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास रोड बन रही है। जय मार के जय। यहाँ से 66 किलोमीटर रह गया है केवल मनाली, और बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मनाली जाने के लिए।
और आगे देखते हैं कहाँ कहाँ घूम कर आते हैं। अभी ये मेरी गोद में आ गया है क्योंकि ये भैया की गोद में जो है बोर हो गया था, है ना। और इसने जयकारे बहुत लगाए हैं, भोले बाबा के भी और माता रानी के भी, और कामयाब हो गए। फिर भी हम ट्रैफिक में से जल्दी निकल गए। अब जो है रोड एकदम बढ़िया नजर आ रहा है ना अरस। और खा पी भी लिया इसी में, जो हमारा कल का खाना बचा हुआ था ना, सुहाड़ी फैन चक्के पेड़े जो जो हम लेके आए थे, उसी से हम लोगों ने जो है गुजारा कर लिया है इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसी जगह थे कहीं रुक नहीं सकते थे, और अपना जो भंडारे का सामान है वो शुरू नहीं कर सकते थे बनाना खाना। पैराग्लाइडिंग भी कर ली और राफ्टिंग भी कर ली। क्या कह रहा रूस? मुझे नहीं करनी पैराग्लाइडिंग। और इसे नहीं करनी है, इसने साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन ये जो है चिंकी, ये थोड़ा सा जो है वो दिखा रही है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं होगी बेटा, नहीं होगी, बड़े होके कर लूंगी। हाँ बड़े होके कर लेना, ठीक है। बच्चे कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग। हाँ बड़े होके ही करना, ठीक है, जब थोड़ा जोश भी आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। गगन को जो है जैसे ही हम लोग वहाँ से चले थे अपने होटल से, उसके बाद में वो मीटिंग होने लगी थी, अभी वो ठीक है, खाया पिया उसने, और जो हम अपना खाने पीने का ले रहे थे उसने जो है ग्लूकोन डी भी ला रखा है, इनो भी, मतलब घर से जो है सारी व्यवस्था बना कर चले थे, वही रास्ते में दवाई पानी सारी चीज़ें, उल्टियाँ की गोली भी हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी गगन पीछे बैठ गए हैं और चिंकी हमारे पास आ गई है, अब हम तीनों चारों जने जो हैं आराम से बैठे हैं। सामान जब सुबह चले थे तो इतने अच्छे से हम लोगों से सेट नहीं हुआ था, तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि जब खाना बनाएंगे ना उसके बाद में सेट कर देंगे। तो गाइस माँ पूछ रही है कि ये छोटे छोटे से घर है क्या, तो चिंकी बता रही है कि ये छोटे छोटे है, दूर से नजर आते हैं, नज़दीक से ये बड़े बड़े रूम है, जैसे रूम में हम लोग रात में ठहरे थे। तो माँ को जो है यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। माँ जो है कुल्लू की वादियों को अच्छे से निहार रही है, ये देखिए उन्होंने अपना जो है गॉगल्स भी हटा दिया, अब जो है धूल मिट्टी थोड़ी खत्म हो चुकी है, नहीं तो बीच में जो है रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, तो ऐनक लगानी पड़ेगी सबको, धूल मिट्टी आंखों में बहुत ज्यादा भर रही थी। चलो जी कोई बात नहीं, अब जो है क्लियर है रास्ता एकदम से, ये देखो अभी जो है टेम्परेचर भी बदल चुका है एरिया बदलते ही, और बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी ठंड हम लोगों को लगने लगी है। ये देखिए ये जो है एसी चेक कर रहा कि एसी तो नहीं चला दी गई चाचा ने, लेकिन बेटा ये जो है यहाँ का मौसम चेंज हो चुका है एकदम से, और ठंडी वादियों में तुम लोग पहुंच चुके हो, है ना। कुल्लू में ना, कुल्लू में तो ठंडी होगी जब बर्फ पड़े।